पहला प्रश्न जैसे सबका ही होता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने दृष्टिकोण से, अपने व्यू से, हाउ डू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को कि आपके हिसाब से क्या परिभाषा है। 3 मिनट हमको संक्षेप में अपनी बात कहनी है। मैं ये महसूस करता हूं कि ईश्वर के साथ जुड़ना, उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, उस माइटी पावर के साथ जुड़ना और अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मेरे ख्याल में दिस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट टू कनेक्ट विद द सुप्रीम स्पिरिट जो है, मैं इसको समझता हूं कि दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। ये इसका शब्द है। बेसिकली हमारे यहाँ जो भारत में खासतौर से जो अध्ययन होता है उसका इंग्लिश में शब्द ले लेते हैं, मतलब वो जोड़ तोड़ करके बात करते हैं, क्योंकि पुरानी भाषा जो है उसके अंदर इसको बोलते हैं अत अध्ययन। अत अध्ययन को बाद में संस्कार करके आत्म अध्ययन बताया गया और आत्मावाद बोला गया। तो अत अध्ययन का मतलब है स्वयं का अध्ययन। अत का मतलब स्वयं होता है पाली भाषा की तरह, अध्ययन का मतलब अध्ययन, यानी कि अपने आप का ध्यान लगाना, अपने आप को जानना, अपने आप को धारण करना। स्पिरिचुअलिटी बहुत कहा जा सकता है कि वो हवा में है, कहीं दिखाई नहीं देती या कहीं होती नहीं है, मगर जैसे मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई देता मगर होता है, वैसे ही शरीर के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है यानी कि जिससे शरीर चलता है वो होता है। पूरा का पूरा जो ज्ञान है पुराने गुरुओं का, जैसे इसको आप वेद बोलते हैं, 4 वेद बोलते हैं, वेद का मतलब वेदनाएं से, वेद हैं, वेदनाएं हैं, वेदनाएं दिखाई नहीं देती, आप देखेंगे, पकड़ना चाहेंगे, मिलेंगे, मगर आप ध्यान लगाएंगे तो वेदनाएं ढूंढने के 24 घंटे वेदनाएं आपके साथ खेलती रहती हैं, आप उनके साथ खेलते रहते हैं। तो अध्ययन वेद का होता है यानी वेदनाओं का होता है, वो स्वयं का अध्ययन है। दूसरे की वेदनाओं को आप महसूस कर सकते हैं मगर अध्ययन अपने का कर सकते हैं, अपने अध्ययन के आधार पे उनकी वेदनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे जो स्पेशलिटी है, खासतौर से जो धम्म के अंदर यानी जो बुद्ध की फिलॉसफी के अंदर है, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा माइंड है, जो मन है और जो हमारा रूप है, पुरानी भाषा में इसको रूप और नाम है, नाम का मतलब है सॉफ्टवेयर और रूप का मतलब है हार्डवेयर यानी कि शरीर हो गया। इसकी दोनों के अध्ययन को यहाँ अत अध्ययन बोला गया है, यानी कि सेल्फ आपका स्टडी या सेल्फ एजुकेशन या सेल्फ जो भी आप जानकारी अपने शरीर की प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सही आपने कहा। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म पूरी तरह से मेल मेल खाते हैं। शायद स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक या समझ लीजिए बाहर के देश उस लेवल तक नहीं पहुंचे, उस अध्यात्म की गहराई तक नहीं पहुंचे, तो वो नाम स्पिरिचुअलिटी तक रह गया। शायद उसका मतलब है कि स्पिरिट्स की स्टडी या स्पिरिट्स के बारे में जानते हैं, पर अध्यात्म शब्द और ज्यादा गहरा है जहां तक समझ में आता है। और अध्यात्म शब्द जो समझ में आया इस मनोशरीर यंत्र को, कि अपने और इस विश्व की गहरी सच्चाई को परत दर परत जानना, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये अध्यात्म। अपने को और इस संसार की गहरी सच्चाई को जानना। यहां पे हम कहने का मतलब है कि हम जिस जानकारी के साथ हम जीते हैं, अपने बारे में जो जानते हैं, अपने शरीर को और मन को जानते हैं और इस दुनिया को जैसे जानते हैं, ये असली सच्चाई का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हम जानते हैं। हमारी जो सच्चाई है, हमारा जो असली होना है, वो इससे बहुत गहरा है। और इसी तरह से इस विश्व में जो भी चीजें हमें नजर आती है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो भी नजर आती है, वो एक्चुअल वर्ल्ड का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। तो
और ये रियलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए बोला कि परत दर परत। इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ डीपर ट्रुथ्स अबाउट आवर सेल्फ एंड दिस यूनिवर्स। वी कैन गिव दिस डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ, प्रोग्रेसिव मीन्स स्टेप बाय स्टेप रियलाइजेशन, नॉट ओनली नोइंग बट रियलाइजिंग दैट ट्रुथ अबाउट आवर सेल्फ एंड दिस यूनिवर्स। यू कैन डिफाइन दैट एज अध्यात्म। और इसको एक्चुअली अध्यात्म शब्द से ही अगर जोड़े तो अध्ययन को पाता हूँ, जैसा आपने कहा मतलब अपना अध्ययन। तो जैसे कहा कि हम अपनी सच्चाई को जानते हैं, वास्तव में देखा जाए तो अपनी ही जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपनी जानेंगे तो विश्व की सच्चाई सामने आ जाती है। और साधारण शब्दों में हमने कहा कि अपने और इस विश्व की सच्चाई को और गहराई गहरी सच्चाई को अनुभव से जानना, वो अध्यात्म। जब व्यक्ति बाहर की सांसारिक बातों से जब देखता है कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत कमाया, जैसा कि अभी मेरे और भाइयों ने कहा, बहुत कमाया, बहुत करा, लेकिन आखिर में आखिर जब अपनी अंतरात्मा को खोजा, वहीं पर परमपिता परमात्मा को खोजा, बाहर की वस्तुओं में जब उसको वो सब कुछ नहीं मिला और अपने अंदर मिला और अपने आप को खोजना शुरू करा, वहीं आगे हम आध्यात्म की ओर जुड़ जाते हैं। स्वयं को खोजना, जो चीज बाहर है ही नहीं हम उसे खोजते रहते हैं। आज प्रातःकाल भी कहा था, कभी हम लोग धन में सुख खोजते हैं, कभी हम संतानों में सुख खोजते हैं, कभी परिवार में सुख खोजते हैं, बहुत खोजते हैं, बहुत खोजते हैं। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने चौथा आश्रम संन्यास आश्रम बनाया कि खोजते रहो, घूमते रहो सारे आश्रमों में, आखिरकार आके उस परम पिता परमात्मा के साथ, जो एक अनादि शक्ति है जिसे हम किसी भी डिफाइन में नहीं कर सकते, कोई परिभाषा नहीं दे सकते, वो अनंत है, अनादि है, निर्विकार है, सर्वधार है, सर्वअंतर्यामी है। उसके पास जब आके हम उसकी अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के अंदर उसको बिठा लेते हैं, उसका दर्शन कर लेते हैं, जब ये लगता है कि बाहर संसार में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे अंदर ही है, परमपिता परमात्मा भी यही है, सुख भी यही है, दुख भी यही है, सब हमारे विचारों के अलग खेल है। जब उस चीज के ऊपर जब हम आते हैं तब हमें लगता है कि हाँ ये तो आध्यात्म आत्मा से जो संबंधित होता है। आध्यात्म का संबंध धर्म से बिल्कुल नहीं है। धर्म तो साथ में धर्म एक अलग चीज है, ये तो एक वो कॉमन चीज है जिसे कहते हैं ना सबके लिए एक ही चीज है। आपको सुख मिलेगा तो अंतरात्मा में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। तो उसी एक अंतरात्मा में जो हम सुख प्राप्त करते हैं वही आध्यात्म है। जब हमारा आत्मा खुश हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं और उस निराकार के प्रति, सर्वशक्तिमान के प्रति जब हमारी आस्था पूर्ण रूपेण श्रद्धा नत हो जाता है, बस वहीं से हमारा आध्यात्म शुरू हो जाता है। यही हमारा स्पिरिचुअलिटी का जैसे परिभाषा डेफिनेशन जानने के लिए क्या है, अपने अपने व्यूज हैं सबके। रजनीश ने भी यही बताया था शुरू से। मैं आपके सामने गुरु ग्रंथ साहब का व्यू पॉइंट रखने का कोशिश करूंगा। स्पिरिचुअलिटी में क्या है डेफिनेशन, तो जो मुझे समझ में आया है गुरु ग्रंथ साहब के अध्ययन से, उसकी मैंने पांच परिभाषा एक एक लाइन की आपके सामने रखने जा रहा हूं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द स्पिरिचुअलिटी इज। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन ऑफ अस, गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत एक से होती है, न्यूमेरिकल वन। अगर एक समझ आ जाए तो बस वही सब स्पिरिचुअलिटी है। एक से ही सब कुछ है, एक ही सब कुछ है, एक के द्वारा ही सब कुछ है, एक में ही हम सब हैं, सब कुछ एक ही है, एक के अलावा कुछ और है ही नहीं। वननेस, उसको जानने की प्रक्रिया को स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि स्पिरिचुअलिटी इज
अंडरस्टैंडिंग वन। दूसरी परिभाषा मैंने लिखी है ऐसे कि मैनिफोल्ड मैनिफेस्टेशंस, जो भी आप देख रहे हो इस प्रकृति में, इस संसार के परे भी, एवरीथिंग वट एवर यू कैन लुक एट इन मैनिफोल्ड मैनिफेस्टेशंस, लुकिंग एट वन, ध्यान देना, इन मैनिफोल्ड मैनिफेस्टेशंस लुकिंग एट वन amongst all is spirituality. Looking at one amongst all in manifold manifestations, जो कुछ भी है, that is spirituality. तीसरी परिभाषा दी है realizing the ultimate dual. Realize, जैसे अग्रवाल साहब ने भी कहा, realizing the ultimate dual and suffering or the enjoyer. Realizing the ultimate doer, कर्ता कौन है, मैं हूं या कोई और है, सफरर कौन है, भोगी कौन है, मैं हूं या कोई और है, एंजॉयर कौन है, मुझ में, फ्रॉम विदिन, मैं हूं या कोई और है, इसको जानने को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। एक और परिभाषा देने की कोशिश की, लिविंग इन द रियल सेल्फ, लिविंग नॉट ओनली नोइंग, लिविंग इन द रियल सेल्फ, नॉट सेल्फ जिसको मैं कहकर बोल रहा हूं, रियल सेल्फ जिसको OMI के ऊपर आपने गूगल में बहुत कुछ पढ़ा सुना समझा होगा, उसमें रहना, लिविंग इन द रियल सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, लिविंग इन ए रियल सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि और भी मेरे वक्ता भाई हैं, कहते हैं रिमेनिंग मर्ज्ड, ऑलवेज रिमेनिंग मर्ज्ड, एक होके मर्ज्ड, जैसे दूध में पानी मिल गया तो कोई सेपरेशन नहीं है, रिमेनिंग मर्ज्ड इन अवर ओरिजिन फ्रॉम वेयर दैट वी हैव कम और फ्रॉम वेयर दैट विल बी इन टू अल्टीमेटली, रिमेनिंग मर्ज्ड इन अवर ओरिजिन इज स्पिरिचुअलिटी, रिमेनिंग मर्ज्ड इन अवर ओरिजिन is a spirituality. Om Brahm Satyam. Spirituality यहीं से शुरू है और यहीं समाप्त है, इसके बाद जो कुछ भी हम कहें, जो कुछ भी हम सुने समझें, वो केवल अपना इंटरेस्ट या अपनी इंक्विजिटिवनेस के लिए, जिसने ये समझ लिया कि ओम ब्रह्म सत्यम या एक ओंकार सतनाम जैसे भाई साहब ने बताया, पूरा ब्रह्म ज्ञान यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे की व्याख्याएं केवल हमारी इंक्विजिटिवनेस के लिए हैं, कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम मंगल, सार विचारना मानुष जन्म का काम। अब इसके बारे में हमें कदम और आगे पर देखें, जब से जीव गर्भ में आया, तीन काल रहे भरमाया, पैदा होने से लेकर अंतिम श्वास तक आम जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। हम सोचे बच्चा गर्भ में है तो वो खुश है, बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट जन्म मरण के चक्र से अपने आप को छुड़ा पाना यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है, और वो अचीव कैसे होगा उस पर हम बाद में आते हैं। हम सबको पता है मल मूत्र के थैले में उल्टा लटका हुआ जीव परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है कि मुझे इस नर्क से निकालो, मैं दुनिया में आकर के आपका स्मरण करूंगा, जैसे आपका आदेश होगा, जैसे गुरुओं का आदेश होगा उस तरीके से अपना जीवन यापन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही
सब पलट जाता है जब हम माया में भ्रमित हो जाते हैं। तो यार एज ए चाइल्ड, एज एन अनबोर्न चाइल्ड, और मे बी 5-6-8-7 महीने तक, जब तक बाहरी दुनिया से संबंध नहीं होता, बच्चा अनायास रोता है, हंसता है, हाथ पैर हिलाता है, सब कुछ करता है, उसकी केवल एक ही कनेक्टिविटी है, वो है परमात्मा के साथ। और उसके अंदर यदि कोई विघन आता है तो वो सबसे समझदार बच्चा वो है जिसे हम बिल्कुल अबोध बालक कहते हैं, क्योंकि उस वो उसका 24 घंटे परमात्मा के साथ लिंक है, और जैसे ही उसको गीला होता है, गंदा होता है, भूख लगती है, तो वो उसके विघन पड़ता है, उस विघन से बचने के लिए वो रोता है ताकि उसकी निवृत्ति और पूर्ति की जा सके और वो अपने रूप में समाया हुआ रहे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा परिचय माता पिता भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी बड़े होते हैं, और स्कूल के और हमारे कलीग्स कॉलेज जाते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद जॉब के कलीग, शादी, आगे अपने बच्चे, ये सारा हमारा जीवन नॉर्मल जीवन है। इसमें सुख, छोटा बच्चा होता है तो वो खिलौना भी ढूंढता है, उसका और बड़ा हो जाता है तो अपने ग्रेड मार्क्स अचीवमेंट भी ढूंढता है, लेकिन वो सुख है नहीं। असली सुख वही है जो छोड़ के आया बच्चा और आखिरी सांस तक उसको इसी की तलाश है, अलग अलग चीज़ों में ढूंढता है पर मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदावे हाथ, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर है ही नहीं, तो हाथ में कैसे आएगी, ना बच्चों में ना खिलौनों में। जीव केवल शांति चाहता है, यही उसका अपना जीवन है, यही उसका परिचय है, यही उसकी अचीवमेंट है यदि वहां तक पहुंचे, और उसके लिए ही हमें मानुष जन्म मिला है, उस के लिए हम प्रयासरत हों। वो कैसे होगा उसके बारे में अभी टाइम है, तो सेकंड राउंड में नेक्स्ट बात पर आते हैं, पर इसे जरूर विश्वास रखें कि जो जिस चीज की हमें तलाश है वो हम हैं, बाहर नहीं ढूंढना, लेकिन उस ढूंढने में रुकावटें क्या हैं, माया, उस माया से कैसे अपने आप को बचाना है, इस पर हम आगे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आई होप तो उसमें इस पर भी आया जाएगा। अपने आप में ओम ब्रह्म सत्यम या एक ओंकार सतना परिपूर्ण है अध्यात्म, या पूरी दुनिया पूरा ब्रह्म ज्ञान इसमें समाया हुआ, बाकी सारी हमारी जेटेबलेस है। थैंक यू।